मुंबई में होने वाला आईओसी का सेशन भारतीय खेलों के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होने वाला है, उसकी वजह भी समझना जरूरी है। तो आप समझिए, भारत में ओलंपिक्स गेम्स लाने के लिए आईओसी सेशन को एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भारत को मेजबान के तौर पर, एक मजबूत दावेदार के तौर पर दुनिया देख रही है। भारत में आईओसी सेशन से भारतीय युवाओं को ओलंपिक मूल्यों को समझने और उसे अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और इसके अलावा भारतीय युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की करीब 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम की है। खेलों के प्रति भारत का प्यार उसके दिल में बसता है, और इसीलिए भारत की महत्वाकांक्षी और भविष्य का जो नजरिया है उसमें खेल का क्षेत्र भी शामिल है। आईओसी सत्र के आयोजन से भारत के करीब 1 अरब से ज्यादा भारतीय खेल प्रेमियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन और भारतीय संस्थाएं आगे चलकर नए खेल आयोजन कर सकेंगी। इससे यह होगा कि आगे चलकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरों के लिए भारत में नए निवेश आ सकेंगे, भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने का बड़ा मौका मिलेगा, और इसके अलावा खेल क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रसारण और डिजिटल बाजार को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा।